अस्सलामुअलैकुम वीडियो सुपर हाईवे कौन सी जगह जमाली पुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मैं रवाना कर दूँ। 24 भाई अजहर बात करें, अजहर अजहर मददगार अजहर कैरी ऑन। ये एक्सीडेंट की इतला है, आप फौरन रवाना हो जाए सुपर हाईवे जमाली पुल, जमाली पुल के नीचे आरडी की इतला है, फटाफट फौरन रवाना हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और मैं ईदी फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जब मैं इदारे में ज्वाइन हुआ था तो मेरी हल्की हल्की दाढ़ी आ रही थी और अब आपके सामने आऊँ। देखिए मैयत से क्या खौफ खाना, लेकिन एक ये है कि ज़्यादातर ये जो तासुरात हैं जैसे गाड़ियों में आग लग जाती है या किसी चीज़ में आग लग जाती है, वहाँ पे जो लोग अंदर चुलस के जो जिनकी डेथ हो जाती है उन मैयतों को निकालते हुए जो है ना थोड़ी सी जो है ना अजीब सी फीलिंग होती है। उसका मतलब ये नहीं कि बॉडी से डर लगता है या ऐसा कोई मामला हो, नहीं, सिर्फ ये हो रहा होता है कि किस इरादे से निकले थे और कहाँ जा रहे थे और किसी को इलम ही नहीं था कि रास्ते में ऐसी मौत होगी। सिर्फ ये चीज़ें जो है ना दिमाग में गूंजती रहती हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि इनके वर्सा को कैसे तलाश किया जाएगा, कैसे हम इतला देंगे, कब तक ये हमारे पास रखी रहेंगी, और ये बस ये चीज़ें जो है ना दिमाग में चलती। देखें बलूचिस्तान में नाका खारड़ी से आगे दो कोचें आपस में टकराई थी, दो कोचें थी और एक ट्रक था जिसमें ईरानी डीजल था, जिनकी वजह से जो है ना वो दोनों बसों में आग लगी और फिर ट्रक भी जला, उनमें जितने लोग थे वो बेचारे झुलस के जो है ना वो फोत हुए। वो वाकया जो है ना मुझे जब भी याद आता है या बाज़ औक़ात जहन में आता है तो मैं ज़रा सा हिल जाता हूँ। इसलिए कि देखो किसी अगर ये शहर में अल्लाह ना करे कि ऐसा वाकया हो जाए या शहर के करीब हो जाए तो हमारे पास इंतज़ाम हैं, फायर फाइटर है, हर चीज़ है, सब इदारे पहुँच जाते हैं, लेकिन जो शहर से हट के थोड़ा सा ये मामला होता है ना तो ज़ाहिर है उस तक पहुँचने के लिए टाइम दरकार होता है, जिसमें 40 मिनट ले लो, आधा घंटा ले लो, कम से कम इतना टाइम लग जाता है। उन दिनों भी यही वाक़ हुआ, 35 से 40 मिनट लगे हब चौकी से फायर फाइटर को वहाँ पहुँचने में। अब ये अंदाज़ा करें कि उन लोगों पर क्या बीती होगी जो लोग आग के बीच में, ज़ाहिर है पहले हल्की आग लगी, और सबसे बड़ा मसला ये कि इन गाड़ियों में एक ही दरवाज़ा होता है, ये जितनी भी कोचें हैं दूसरा रास्ता जो है ना होता नहीं है निकलने का, और फिर अंदर जो है ना कल्टी होने के बाद ऐसे लोग फंस जाते हैं, फिर वो जो तकलीफ़ होती है ना और जो एहसास हो रहा होता है बंदे को, यार काश के जल्दी फायर फाइटर पहुँच जाए, फलाने को इतला करो, फलाने को इतला करो, जो वहाँ लोग मौजूद होते हैं ना वो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं ये हो जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों हो गई। ज़ाहिर है एक सफ़र है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हम वहाँ जब वहाँ पहुँचे तो मैयतें बिल्कुल झुलस गई थी और फायर फाइटर हम सब पहले पहुँच चुकी थी, जाहिर है वो अब चौकी से निकले थे, हम लोग बल्दिया से निकले थे, बल्दिया 4 नंबर से। वो जो है ना जो दो कोचों के दरमियान ये तसादम हुआ वो हादसा मुझे अमूमन जो है ना हिला देता है। फैसल इदी साहब ने 2008 में एक एमरजेंसी सर्विस लॉन्च करवाई थी, हमारे कुछ गाड़ियों को एक डिपार्ट अलग बनाया गया था EMS के हवाले से कि हादसा हो जाता है या कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो वहाँ पर फिर 4 गाड़ी पहुँचनी चाहिए 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों के पास। तो इस तरह के जब ये सिस्टम बना तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ नादरन बाईपास पे, अभी भी वो जगह मौजूद है नादरन बाईपास लक्की पे, हमारा एक सेंटर है, पॉइंट है जहाँ पर मैंने 5 साल ड्यूटी की है। वहाँ पर ये चीज़ थी क्योंकि एक तो पहले से वो जगह वीरान पड़ी थी और फिर हमने वहाँ जाके सफाई सुथराई करके अपना बसेरा बनाया। वहाँ पे मगरिब के बाद जो थी ना बिल्कुल ये चीज़ हमें महसूस भी होती थी और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती थी, और वो ऐसी चीज़ थी कि कोई अच्छी चीज़ थी, यानी कि रूह जैसे कहते हैं ना कि जिन्नात वगैरह में, जिन्नात में हर किस्म के लोग हैं, बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, तो वो जो असर था ना वो किसी अच्छे बुज़ुर्ग का था। वहाँ पर हम कोई हमारे मुँह से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाए बद अखलाकी वाला तो वो बिल्कुल हमारे सामने उसी वक्त जो है ना हमें पता चल जाता था कि इसको बुरा लगा है। उसका हमें अंदाज़ा ऐसा होता था कि कोई चीज़ हमारी रखी होती थी वो गिर जाती थी। लालटेन हम चलाते थे वहाँ पे लटका देते थे मगरिब के बाद, लालटेन लटकी हुई है ऊपर से नीचे गिर जाती थी, या हमारे बर्तन रखे हुए हैं वो नीचे गिर जाते थे, तो इससे हमें अंदाज़ा होता था कि ये चीज़ जो है ना इस चीज़ को बुरा महसूस कर रही है। देखिए यहाँ पर ये मैयत वो गुसल की जगह है, हर किस्म की मैयत आती है,
तो बाज़ औक़ात ऐसी मैयतें भी आ जाती हैं जिनके अमवात सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से हो जाती हैं, तो वो भी एक अल्लाह की मखलूक है। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मैं इंसान और जिन से ज़्यादा पूछताछ होगी क़ुर्ब क़यामत में, तो ज़ाहिर है ये लोग भी इंसान से जुड़े हुए होते हैं। बाज़ औक़ात इधर ऐसा भी हुआ है कि असरात वाली चीज़ भारी पड़ जाती है गुसल के टाइम पर, या हम यहाँ से सरखाने तक मुंतकिल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर दो वाक़ियात ऐसे हुए हैं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। लोग इसको ये ना समझें कि सर्दखाने के अंदर या गुसल वाली जगह पे ये चीज़ होती है, ये इंसान के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। जाहिर है अब बास फैमिलीज़ हैं जिनको वो डिस्टर्ब करती हैं या बहुत वो तकलीफ़ में होते हैं, वो दरगाहों पे जाते हैं, बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो फैमिली ख़राब है। वो असरात तो हर इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इस जगह का वाकई ये है कि एक पुरानी मैयत हमें मिली थी खुदा की बस्ती से, हम उठा के लिया तकरीबन 4 से 5 दिन पुरानी मैयत थी। तो पुरानी मैयतों को गुसल हम पिछली साइड पे देते हैं, वहाँ सब वो जो है गुसल की जगह अलग है, तो वहाँ पर गुसल दे रहे थे। तो जब उसके कपड़े वगैरह उतारे गए या उसको हम गुसल दे के तैयार करके और कफन वफन दे के हमने स्ट्रेचर पे रख दी कि अभी उनके गुस्सा बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि भाई आपकी मैयत तैयार हो गई है, आप मैयत ले जाएँ। तो जब हम वहाँ पीछे गए वो मैयत को ले जाने के लिए, वो मैयत यानी कि उठ ही नहीं रही। अब ये अंदाज़ा कर लें 8 से 10 आदमी हम वो स्ट्रेचर को नहीं उठा सके और ना हम बाहर ला सकें। तो मैंने उनसे पूछा कोई मामला है क्या इनके साथ या कोई ऐसा कोई कुछ होया हो, तो मैंने कहा है तो सही, आप बताएं या ना बताएं। तो उनके एक बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने कहा कि हाँ इनके ऊपर असरात थे काफ़ी अरसे रहे। तो मैंने कहा बस फिर इनके लिए दुरूद करें और कलमात पढ़ें कि अल्लाह पाक जो है ना इसको इन चीज़ों को इससे दूर करें और हम इसको अल्लाह के हवाले करें। नहीं देखिए ये चीज़ें इन चीज़ों से ज़ाहिर नहीं होती हैं कि हाँ वगैरह टुकड़ों पे बॉडियाँ मिलती हैं। हमें बल्दिया से एक बॉडी मिली थी तो वो 8 हिस्सों में यानी कि हर जोड़ से उसको काटा गया था, 3 दिन में मिली, वो 3 दिन में कम्प्लीट हुई, यानी कि आधा धड़ कहीं और से मिला, फिर पाँव और हाथ कहीं और से मिले और सर उसका जो है ना कहीं और से मिला। ऐसा होता है, ऐसे वाकयात हुए हैं कराची के अंदर। और ऐसा भी हुआ है कि यानी कि टुकड़ों में करके एक ही बोरी में डाल के नाले में फेंक दिया, या लियारी नदी से हमने ऐसी बोरियाँ निकाली हैं जो है ना वो हाथ पैर कटे हुए हैं और सब कुछ टुकड़ों में एक बोरी के अंदर है। ऐसे वाकयात हुए हैं यहाँ पर अलीगढ़ में। तकरीबन आज से 7-8 साल पहले अलीगढ़ के हालात ख़राब हुए थे बनारस में। तो शाम का टाइम था तकरीबन 4 बजे का कि मुझे कंट्रोल ने कहा कि आप अपने साथ 4-5 गाड़ियाँ लेके अलीगढ़ पहुँचें, वहाँ पे जो लोग हैं और उनको ज्वाइन करें, क्योंकि नाजमाबाद की गाड़ियाँ भी थी, औरंगीटोन की गाड़ियाँ भी थी, कंट्रोल रूम की गाड़ियाँ भी थी, सब हम बनारस को वो कर रहे थे क्योंकि काफ़ी हालात ख़राब थे बनारस के। तो जब मैं मेन बनारस पे पहुँचा तो मुझे उन्होंने एक एड्रेस नोट कराया, बोला आप चारपाई मार्केट में पहुँचें और उसके 3rd नंबर गली में उल्टे हाथ में बंदे को अभी अभी जो है ना वो गोली मारी है। मैं पहुंच गया, जैसे मैं गली में घुसा तो सामने बंदा पड़ा हुआ था, तो मैं उस तक पहुंचा तो उनको मैंने उठाने की कोशिश की, तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको अपने स्ट्रेचर पे शिफ्ट किया और मैं गाड़ी में लेकर आया। फिर मैंने बाहर आने के बाद एक ड्राइवर को मैंने कहा आप मेरे साथ बैठो क्योंकि इसको पकड़ो क्योंकि इसको ज़्यादा वो और तकलीफ़ हो रही है, ये कहीं गिर ना जाए। वो ड्राइविंग सीट पर आ गया, उन्होंने कहा मैं गाड़ी चलाता हूँ आप इनको देख रहे हैं। तो मैं उनके पास चला गया, तो मैंने उनसे पूछा हुआ क्या है, बोला मैं बस वजू करके नमाज़ के लिए निकला था, घर वालों ने कहा घर पे ही पढ़ लो बाहर हालात ख़राब है। नहीं मैंने कहा नहीं मैं मस्जिद में जाके पढ़ूंगा क्योंकि मस्जिद गली के कोने पे ही थी। तो जैसे ही बाहर निकला तो उसे गोली लग गई। वो शख्स के जो अल्फाज थे अपनी फैमिली के लिए और वो जो मुझसे बात कर रहा था उस वक़्त, उस शख्स को मैं कभी नहीं भूल सकता। अब्दुलसलाम नाम था उसका, तकरीबन 50 साल के लगभग उसकी उम्र होगी। हम उसको वलीका हॉस्पिटल तक मैं लेकर आया हूँ। जैसे ही मैंने स्ट्रेचर से उसे ओटी में उतारा है तो उस बेचारे को ने दम दिया और मैंने कहा आप कलमा पढ़ें, बस आप कलमा पढ़ें सब सही हो जाएगा। ओटी में वो फोत हुआ। जब मैं दोबारा आ रहा था ना, आप यकीन करें कि मुझे इतना दुख हो रहा था कि इसकी फैमिली को हम कैसे बोलेंगे कि यार ये तो अभी बिल्कुल सही था, आपके घर से अपने घर से निकला नमाज़ पढ़ने के लिए और ये इस तरह ये वाकया हो गया। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो दिल में जो है ना नक्श हो जाती हैं और बाज़ औक़ात याद आती हैं कि ये मामला ऐसा हुआ, तो दुख होता है इंसान को। बल्दिया 7 नंबर पे हम पहुँचे, वहाँ पे गली के अंदर फायरिंग हो रही थी, तो एक सुजुकी वाले को जो है ना किसी ने हिट किया था, सुजुकी के अंदर उसको गोलियाँ लगी हुई थी, ज़ख्मी था। तो हम शिफ्ट कर रहे थे तो
उस वक्त फायरिंग हो गई अचानक हमारे पीछे, जो सबसे पीछे गाड़ी थी अभी भी वो ड्राइवर मौजूद है, अजीज़ुल्लाह बल्दिया सेंटर पर ड्यूटी कर रहा है, उसकी गाड़ी पर आके 3 राउंड लगे। तो वो भाग के आया मेरे पास, कहा साहब पीछे हम नहीं जा सकते, हमें आगे निकलना पड़ेगा। मैंने कहा आगे कैसे निकलेंगे, आगे तो सुजुकी की गाड़ी है। कहा पीछे से फायरिंग हो रही है और मेरी गाड़ी पे आगे गोलियां लगी हैं और पीछे का शीशा भी टूट गया मेरी गाड़ी का। तो उस बंदे को हमने निकाल के, जो मेरे सुजुकी के सामने गाड़ी खड़ी थी एम्बुलेंस, उसमें शिफ्ट किया, फिर हमने सुजुकी हटाई है, फिर हमें आगे ही जाना पड़ा, हम पीछे नहीं गए। मैं ईदी साहब देखें एक अजीम हस्ती थी, वो फरिश्ता सख्त इंसान थे, मेरे बाप की जगह पे थे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना हम सीखना चाहते थे। उनकी एक अलग पहचान है, उन्होंने दुनिया में जो है ना हर मुल्क में जाकर इंसानियत की खिदमत की, इंसानियत का झंडा बुलंद किया और लोगों को दुख दर्द का एहसास दिलाया। हम कोशिश करते थे कि जितना हो सके हम एदी साहब से सीखें। हमने काफ़ी उनके एदी साहब के साथ, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला। और हम कोशिश करते थे जो एदी साहब हमें कह रहे हैं उनको जहन नशीन कर लें, ये हमारे काम आने वाली चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं का सिखाया हुआ है, और हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना होता है, कैसे इंसानियत की खिदमत होती है, कैसे किसी के दर्द को महसूस करना पड़ता है। जो उसको तकलीफ़ है वो तकलीफ़ समझो उसकी नहीं है, वो हमारी तकलीफ़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें एदी साहब ने सिखाई, हम सीख के नहीं आए थे, तो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बस मैं ये दुआ करूँ कि अल्लाह पाक उसकी कब्र को मुनव्वर करे और बल्कि इस मम्मी की भी कब्र को मुनव्वर करे। तो ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने हमें जो कुछ भी सिखाया, अल्लाह पाक हमें वो तौफीक दे कि हम आने अपनी नई नस्ल को वो मुंतकिल करें। देखें ये बिल्कुल 2000 से पहले जो था, सन 2000 से पहले इन चीज़ की ट्रेनिंग नहीं थी। फैसल एदी साहब खुद जब फील्ड में उतरे तो उन्होंने डॉक्टर रेज किए और फिर कोर्सेज चलाए कि भाई हर ड्राइवर को CPR का तरीका आना चाहिए और ज़ख्मी को किस तरह उठाना है और डूबे हुए आदमी को किस तरह उठाना है, ये सारी चीज़ें, करंट लगे हुए आदमी को अपनी सेफ्टी कैसे करनी है और उसको कैसे उठाना है, ये कोर्सेज कराए गए। सन 2000 से अब तक इल्ला बाशा कोई ऐसा ड्राइवर होगा जिसने ये कोर्सेज नहीं किए होंगे, वरना हमारा अपना ट्रेनिंग सेंटर है मूसा लेन में जिसमें क्लासें चलती हैं और हम जो है ना इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं अपने ड्राइवरों को कि भैया आपने जो है ना इसको किस तरह जो है ना शिफ्ट करना है। अब ऐसे नहीं है कि एक बंदे की जो है ना RD टूटी हुई है गर्दन की, उसको पकड़ा और एम्बुलेंस में डाल दिया उसके लिए और तकलीफ दे साहब, नहीं, स्ट्रेचर पर शिफ्ट करने का एक तरीका है, उसको इस तरह उठा रहा है कि उसको और तकलीफ़ ना हो। एक हड्डी टूटी हुई है, पहले उसकी हड्डी को पट्टी बांधनी है, सीधा करना है उसको, बिना और ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल क्लासें होती हैं और उनमें जो है ना हमारे ड्राइवर हजरात बिल्कुल जिनके हम देखते हैं कि इसने कोर्स नहीं किया हुआ है, हम उनको कोर्सेज करवाते हैं। हमारे इसी तरह हमारे क्लर्क हजरात हैं, उनको भी जो है ना इस चीज़ की ट्रेनिंग कराई जाती है कि बाज़ औक़ात ऐसा ना हो कि कोई सेंटर के सामने हो जाए, एक हादसा हो जाए, कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो उस क्लर्क को पता होना चाहिए कि मुझे इसको क्या करना है और किस तरह जो है ना इसको थोड़ी सी ट्रीटमेंट दे दूं जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए। नहीं, इस ये तो बेबुनियाद बात है, खून तो किसी को भी माफ़ नहीं है, पर यह है कि एम्बुलेंस या फायर फाइटर या पुलिस कोई भी ऐसे इदारे हैं जो एमरजेंसी से वाबस्ता हैं, लोग अब शिट करते हैं उनको, लोग रास्ता देने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये चीज़ निकल जाए। जाहिर है पहले लोगों में ये शऊर नहीं था, पहले एम्बुलेंस देखते थे तो उसके आगे लग जाते थे, यार इसके लिए रास्ता बन रहा है चलो हम भी इसके आगे आगे निकल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना पढ़े लिखे लोग फ्रंट पे आ गए हैं, उनको पता है एक एम्बुलेंस अगर आ रही है हूटर मारते हुए, उसकी लाइटें जल रही हैं, जाहिर है किसी एमरजेंसी में आ रही है, लोग रास्ता देते हैं और वो इस तरह एम्बुलेंस जो है जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। अब बाकी ये जो आपने सवाल किया कि 7 कत्ल माफ़ है, ऐसे कोई बात नहीं है, ये बेबुनियाद है। कोई कत्ल वतल किसी भी इदारे की किसी भी जो है ना महकमे को कोई कत्ल माफ़ नहीं होता है, पर एक इंसानी जान है। ज़ाहिर है कि इत्तफाकन हादसा हो जाए वो एक अलग चीज़ है कि ज़ाहिर है गाड़ियाँ टकरा जाती हैं, एम्बुलेंस भी टकराती है, पर कोई भी गाड़ियाँ टकरा जाती हैं आपस में, वो एक हादसा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस एम्बुलेंस है तो उसको 7 खून माफ़ है या फायर फाइटर है या कोई पुलिस की मोबाइल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं पब्लिक को सिर्फ इतना सा एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए इंसानियत का दर्द और दुख रखें अपने अंदर। इस वक्त कराची में मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, लोग दरगुजर कर देते हैं, एक बंदा रोड पे पड़ा हुआ है,
किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी या किसी चीज़ से उसको चोट लग गई है, तो सब कुछ जल्दी होती है, रुकेगा। अगर रुक भी गया तो वो उससे पूछेगा नहीं कि आपको हुआ क्या है, या कंट्रोल एम्बुलेंस को कॉल करे या किसी गाड़ी में डाल के उसको करीबी हॉस्पिटल शिफ्ट करे, नहीं। बस अभी वीडियो बनाने पर जोर दिया हुआ है, बस आप फौरन मोबाइल निकालें उसकी वीडियो बनाने। अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो, इसको करीबी किसी क्लिनिक में पहुँचाओ, किसी अस्पताल में पहुँचाओ, नेकी कमाओ, अल्लाह को राज़ी करो। ये दुख हर इंसान के अंदर आ जाए तो मैं कहता हूँ कि कोई भी शख्स जो है ना रोड पे इस तरह जो है ना नहीं पड़ा होगा।